नमस्कार दोस्तों, मैं पप्पू सर आपके अपने यूट्यूब चैनल पी एच डी क्लास में स्वागत है। दोस्तों अभी का ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही, खुशखबरी निकल के आ रही, बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही बिहार इलेवन बहाली को लेके। और दूसरी बात, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बिहार इलेवन के सिलेबस क्या रहने वाला है, बीपीएससी जो एग्जाम लेगा कितने नंबर के पूछा जाएगा, कब इसका विज्ञापन आ रही है, सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको बिहार इलेवन बहाली के बारे में बताने वाले हैं। इससे पहले हमारे चैनल पर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस से सही वीडियो पाने के लिए। दोस्तों वीडियो में बने रहिए, चलिए बिना समय गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और आप लोग के द्वारा बार बार एक ही सवाल किया जा रहा है, सर बीपीएससी एग्जाम लेगा या बिहार बोर्ड एग्जाम लेगा बिहार इलेवन का, सर सिलेबस क्या रहने वाला है, कितने नंबर का पूछा जाएगा, प्रश्न ऑब्जेक्टिव रहेगा, सारी जानकारी वन वन करके हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। और वैकेंसी कब तक आ रही है, आज का क्या न्यूज़ है बिहार इलेवन पर, सारी जानकारी बता रहे हैं, आप वीडियो में बने रहिए। आप लोग क्या करते हैं, वीडियो को देख लेते हैं और निकल जाते हैं। दोस्तों आप लोग के लिए ही वीडियो बनाते हैं, इसलिए चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर सेट कर लिए, उससे क्या है मोटिवेशनल मिलता है और जोश और जुनून के साथ आपके लिए वीडियो हम बनाते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और बताते हैं जो आज का क्या न्यूज़ आई है, सो आप वीडियो में बने रहिए। दोस्तों अभी की बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सूत्रों से पता चला है जो बिहार में बीपीएससी जो अभी सातवें चरण शिक्षक बहाली जो बीपीएससी लेगी, उससे पहले बिहार बोर्ड, ध्यान से रखिए, बिहार बोर्ड के द्वारा बिहार इलेवन की एग्ज़ाम होगी और 100 नंबर के पूछा जाएगा। तो दोस्तों जो लाइब्रेरी साइंस पहली से रट्टा मारे हुए हैं, लाइब्रेरी साइंस के आपको 50% रहेगा और 50% आपको जीके जीएस से पूछा रहेगा और उसमें जीके जीएस आपको रटना पड़ेगा। आप नहीं, अगर नहीं रटना स्टार्ट कर रहे हैं, नहीं रट रहे हैं तो आपको दिक्कत है, क्योंकि बहुत दिक्कत होने वाली। बीपीएससी एग्जाम लेगा अभी यह क्लियर नहीं हुआ, बिहार बोर्ड एग्जाम लेगा या बीपीएससी, ये अभी आज का अपडेट निकल के आ रही है। जो बिहार में सातवें चरण शिक्षक बहाली से पहले बिहार में बिहार इलेवन की बहाली होगी और बीपीएससी एग्जाम लेगा या बिहार बोर्ड लेगा, उसके लिए आपको तो पढ़ना, अगर आप लाइब्रेरी साइंस पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, उससे भी आपको 50% पूछा जाएगा और 50% आपको जीके जीएस करेंट अफेयर्स रहेगा, तो इसलिए आपको इधर भी पढ़ना पड़ेगा। अगर आप रटा नहीं मार रहे हैं तो आप लुसेंट खरीद लीजिए और मार्केट में बहुत सारा ऐसा बुक है जिससे आप जीके जीएस स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो दोस्तों इसलिए आप लोग को परेशान नहीं, आज का यही न्यूज़ निकल के आ रही है, यह वीडियो बनाने का यही मकसद है, क्योंकि अभी बहुत बड़ी अपडेट अभी निकल के आ रही है। देख लीजिए टाइम, देख लीजिए कितना बज रहा है, जो बिहार में सातवें चरण शिक्षक बहाली से पहले बिहार इलेवन की बहाली होगी और बीपीएससी एग्जाम लेगा या बिहार बोर्ड लेगा, यह अभी स्पष्ट नहीं हुई है। और एक चीज़ स्पष्ट हो गया है, बिहार में सातवें चरण शिक्षक बहाली से पहले बिहार इलेवन की बहाली होगी, इसलिए दोस्तों उससे पहले बहाली होगी तो आपको तैयारी करना है। लाइब्रेरी साइंस से आपको 50% पूछा जाएगा जो आपका सिलेबस है और जीके जीएस से आपको 50% पूछा जाएगा, टोटल 100 का प्रश्न रहेगा। निगेटिव मार्क पर अभी विचार हो रही है, निगेटिव मार्क नहीं रहेगी, इसीलिए आप तैयारी में लग जाइए, जोर शोर से लग जाइए। तो देख लीजिए बीपीएससी लेगा या बिहार बोर्ड लेगा, तो उससे पहले आपको तैयारी स्पष्ट रूप से करना है, तैयारी अगर आप नहीं करते हैं तो दिक्कत है। इसलिए अभी का जो न्यूज़ निकल के आ रही है, जो बिहार में सातवें चरण शिक्षक बहाली से पहले बिहार इलेवन की बहाली होगी, तो इसके लिए आपको ज़ोर शोर से तैयारी में लग जाना है, क्योंकि आपको भी पता है जो इस बार कंपटीशन कितना तगड़ा है, कितना स्टूडेंट बैठा हुआ है विलिस की करके और एमलिस करके, सभी स्टूडेंट टूट पड़ेगा इस बहाली जब आएगी। तो आवाज़ ही फंसा हुआ है, तबीयत भी खराब है, फिर भी हम आपको अपडेट देते रहते हैं, इसलिए चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिए, उससे क्या है हमें मोटिवेशन मिलता है और जोश और जुनून के साथ आपके लिए वीडियो लाते हैं, बनाते हैं, न्यूज़ खोज के लाते हैं और बनाते हैं। आवाज़ भी स्पष्ट रूप से नहीं निकल रहा है, आवाज़ भी फंसता है, देख लीजिए तबीयत खराब होने के कारण भी आपको वीडियो हम रेगुलर प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों अभी बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जो बीपीएससी से पहले बीपीएससी जो लेगा बिहार में सातवें चरण शिक्षक बहाली से पहले, उससे पहले बिहार इलेवन की बहाली होगी, बिहार इलेवन की बहाली होगी, बिहार बोर्ड लेगी या बीपीएससी लेगी, उससे हमको कोई मतलब नहीं, कोई भी ले मार बहाली आनी चाहिए, तैयारी में लग जाइए, कोई भी किताब मार्केट से खरीद लीजिए और जीके जीएस सब तैयारी में लग जाइए, जीके जीएस भी पढ़ना आपको जरूरी है। दोस्तों इस वीडियो में यही हम बताना चाह रहे हैं, होप कि आप समझ गए होंगे, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिए। अगर बिहार इलेवन वैकेंसी रिगार्डिंग अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो बेहिचक कमेंट के माध्यम से पूछिएगा। थैंक यू।